चारों झोपड़ियों को जला दूंगा। गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि साथियों, जब जब जय भीम का नाम आता है तो एक क्रांति पैदा होती है, एक आंदोलन पैदा होता है, एक विचार पैदा होता है और बहुत सारे महान पुरुष भी पैदा होते हैं। इंतजार रहेगा इस देश के लोगों की सोच बदलने का, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि सिनेमा है, सिनेमा का एक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लोगों के विचार बदलने में भी होती है। साथियों, जिस तरह से हमने पीके मूवी देखी, ओ माय गॉड मूवी देखी और भी कई मूवी देखी, तो हमने देखा कि लोगों ने उन फिल्मों को देखा तो बड़े चाव से। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए। सिनेमा में वो ताकत है जो कि इंसान के सोचने की दिशा को बदल सकता है, और जब सिनेमा का रंग बदलने लगता है तो आप सोच सकते हैं कि समाज में किस तरह के बदलाव आएंगे। आज हम देखते हैं कि डायरेक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्में बना रहे हैं, फिर चाहे समाज या समाज की भावी युवा पीढ़ी किसी भी दिशा में क्यों ना जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं या बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इतिहास पर या समाज में दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग या आदिवासी लोगों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, बहुत लंबे समय का इंतजार आज खत्म हुआ, और जिस तरह से आपको इंतजार था एक ऐसी फिल्म का जिस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही इस देश में बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। साथ ही आपने फिल्में तो देखी होंगी और समय समय पर फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी फिल्में दी हैं जो कि इतिहास से रूबरू कराती हैं और जो समाज में घट रही घटना है उनसे आपको रूबरू कराती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगी। आपने आरक्षण मूवी देखी होगी, आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी, आपने पीके मूवी देखी होगी, आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी। ये मूवियाँ कुछ इस तरह की मूवियाँ रही हैं जिसने कि समाज में एक बहुत बड़े मैसेज को छोड़ने का क्या है। लेकिन अगर वास्तविकता की मैं बात करूं तो समाज में इन फिल्मों को देखकर क्या बदलाव आया है, क्या समाज की दिशा बदली है, क्या समाज की सोच बदली है, या समाज में जिस तरह की घटनाएं आज घट रही हैं, चाहे धर्म को लेकर हम देखें या राजनीति को लेकर देखें या समाज को लेकर देखें, क्या समाज में आज कहीं बदलाव आया है। अगर मैं ये कहूं कि इन फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका समाज में रही है और सही मायने में समाज में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बदलाव कहां तक उचित है। साथियों, हम जब राजनीति क्षेत्र में बात करते हैं या धार्मिक क्षेत्र में बात करते हैं या आर्थिक क्षेत्र में बात करते हैं तो इस तरह की जो फिल्में होती हैं वो बहुत ही कारगर साबित होती हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इन फिल्मों का निर्माण सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस देश में बहुत बड़ा तबका जो कि 85% है उसके पास में आज धन संपदा है, और वो धन संपदा किस तरह से उनके पास में आ सकती है, सिर्फ इसलिए इस तरह की फिल्में बनाते हैं ताकि टिकट के माध्यम से जो कमाई आती है उनसे उनके घर भर सके और वो एक लग्जरी लाइफ जी सके और जी भी रहे हैं। साथ ही मैं बात करूंगी एक ऐसी फिल्म की जिसने की रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया है, और उस फिल्म का नाम है जय भीम। जी हाँ, जय भीम। जैसा कि आप सभी नाम से समझ ही गए होंगे कि जय भीम लोगों के आकर्षण का केंद्र क्यों बनी हुई है और क्यों लोग बढ़ चढ़कर इस फिल्म की तरफ एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और खासकर इस देश का बहुत बड़ा तबका। क्योंकि साथियों, जब जब जय भीम का नाम आता है तो एक क्रांति पैदा होती है, एक आंदोलन पैदा होता है, एक विचार पैदा होता है और बहुत सारे महान पुरुष भी पैदा होते हैं। तो इसलिए जो जय भीम फिल्म है उसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, और जिस तरह से उस फिल्म को दर्शाया व प्रचारित और प्रसारित किया गया आप भली भांति उस ट्रेलर से समझ सकते हैं। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल। कि यह फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है। साथियों, यह फिल्म तमिलनाडु में 1955 में जो आदिवासी लोगों पर जो अत्याचार शोषण हुए थे उस पर पूरी फिल्म आधारित है। साथियों, अगर मैं बात करूं इस फिल्म के एक्टर की तो इस फिल्म में मेन भूमिका में जो नजर आएंगे हीरो के रोल में वो है साउथ के सूर्या, जो कि इस फिल्म में एक वकील के रोल में नजर आएंगे जिसमें कि उनका नाम है चंद्रू, और वो यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनकी पैरवी करते नजर आएंगे, और पैरवी नहीं बल्कि कानून के माध्यम से उनके लिए
लगातार आवाज बुलंद करते नजर आएंगे और जब कानून से भी काम नहीं चलेगा तो वो बड़े बड़े आंदोलन इस फिल्म में करते नजर आएंगे। तो साथ ही कुछ इस तरह की ये फिल्म है और ट्रेलर के माध्यम से ही आप देख पाएंगे कि ये फिल्म समाज के लिए, इस देश के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है और कितना बड़ा उद्देश्य इस फिल्म में छुपा हुआ है, ये भी आप साफ साफ देख पाएंगे। साथियों, इस फिल्म के जो पोस्टर है उसमें कुछ तीन महान पुरुषों की तस्वीरें इस तरह से दिखाई है जिसमें कि बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और कार्ल मार्क्स। आप सोच सकते हैं कि जब इन तीन महान पुरुषों के नाम आते हैं और इन तीन महान पुरुषों की विचारधारा इस देश में किस तरह से प्रचारित हुई और प्रसारित हुई, ये भी आप बेखूबी जानते हैं। अगर मैं बाबा साहब की बात करूं तो बाबा साहब जीता जागता वो इतिहास है आज भी, जिसके नाम से ही जो मनुवादी लोग हैं, या मैं कहूंगी कि जो एक कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनकी रूह कांप जाती है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के जो पेरियार जी हैं, पेरियार जी तो वो हीरा है जिन्होंने मनुवाद की जड़ों को इतनी बुरी तरह से हिलाकर रखा, और हिलाकर ही नहीं बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग इन देवी देवताओं में विश्वास करते हैं मैं उनको मूर्ख समझता हूँ। और आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से पेरियार जी ने इस पाखंडवाद, रूढ़िवाद और खासकर ब्राह्मणवाद पर एक करारा प्रहार किया था। और उसी के साथ साथ में साथियों कार्ल मार्क्स जिन्होंने की धर्म को साफ साफ कहा कि धर्म अफीम है, और जो व्यक्ति धर्म के संपर्क में आता है कहीं ना कहीं उसका जो नशा है वो उस अफीम की तरह हो जाता है कि अगर व्यक्ति को वो ना मिले तो वो पागल हो जाता है। और जिस तरह से आज धर्म के नाम पर देश में मारकाट हो रही है आए दिन हम देख रहे हैं। तो साथ ही इन तीन महान पुरुषों की विचारधारा को भी उस फिल्म में दर्शाने का काम किया गया है। अब इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का, क्योंकि ट्रेलर तो इसका रिलीज हो चुका है, और इसके ट्रेलर के रिलीज होने के बाद साफ साफ ये भी बता दिया गया है कि आने वाले 2 नवंबर को यह फिल्म अमेज़न वीडियो पर प्रसारित की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये फिल्म तेलुगु, तमिल के साथ साथ साथियों आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी। और साथियों इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि 2 नवंबर को अमेज़न पर 240 देशों में यह फिल्म एक साथ रिलीज होने जा रही है, तो लोगों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है और इंतजार रहेगा इस देश के लोगों की सोच बदलने का। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि सिनेमा है, सिनेमा का एक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लोगों के विचार बदलने में भी होती है। साथियों जिस तरह से हमने पीके मूवी देखी, ओ माय गॉड मूवी देखी और भी कई मूवी देखी, तो हमने देखा कि लोगों ने उन फिल्मों को देखा तो बड़े चाव से, और उन फिल्मों ने सुपर पर हिट का भी खिताब जीता। और इतना ही नहीं, हमने देखा कि इन फिल्मों से लोगों ने एंटरटेनमेंट तो बहुत ज्यादा किया, लेकिन एक जो सोच की बात करें, जिस बदलाव की बात करें, उस बदलाव की तरफ इस देश के लोग शायद मुझे नहीं नजर आए। और उसका जीता जागता उदाहरण साथियों मैं आपको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ देना चाहूंगी, क्योंकि इस राम मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने अपनी जेब से हजारों लाखों करोड़ों रुपए दान दिए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो फिल्में आती हैं वो लोगों को साफ साफ मैसेज देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन मैसेजों को नहीं समझ पाते, क्योंकि इनके जो चेहरे हैं या इनकी आंखों पर जो आस्था है या धर्म है उसका चश्मा चढ़ा होता है। और जब तक उस चश्मे को उतार कर नहीं देखेंगे किसी भी तरह से, ना तो अपना भला कर पाएंगे, ना अपने समाज का भला कर पाएंगे, और ना ही अपने देश का भला कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं सूर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और काश जी और भी कई लोग हैं मुझे नाम पता नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छे किरदार इस फिल्म में निभाए हैं और समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास किया है। तो मैं तहे दिल से इन लोगों को सलाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं, ये फिल्में भी सुपर डुपर हिट हो और समाज में एक बहुत अच्छा संदेश छोड़ने का काम करे। और इसी के साथ साथ साथियों कुछ दिनों बाद रमेश ठेठे जी की द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म भी रिलीज होने जा रही है, उसके लिए भी हम मंगल कामनाएं करेंगे कि जिस तरह से आपने सभी फिल्मों को प्यार दिया है उसी तरह से आप इन फिल्मों को भी प्यार दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो। कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। राजा कन्ना, मौसम कुट्टी और इरुटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? नहीं कर। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। उस देवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ।
ये केस नहीं एक स्कैंडल है, ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है, पुलिस बता इस तो रही है। के पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर, बेगुनाहों का कौन देगा, उन्हें हम ही से उम्मीद है। पल भर में चारों झोपड़ियों को जला दूंगा। हाँ, गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल।